क्रिकेट के खेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। जी हाँ, दरअसल क्रिकेट में जितनी मेहनत एक बल्लेबाज और गेंदबाज करते हैं, उतनी मेहनत ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी करता है, ताकि क्रिकेट के हर एक नियम के साथ क्रिकेट का खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सके। और ICC अब ऐसा ही एक और नियम इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल क्रिकेट में ये नया नियम लागू होगा जिसका नाम होगा स्टॉप क्लॉक। अब स्टॉप क्लॉक ये क्या नियम है, क्या है इसके सारे रूल्स और इस नियम को कब से लागू किया जाएगा, यही सब हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, और वो ये कि अगर आप भी हैं क्रिकेट एंथुजियास्ट और अगर आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। याद है सर, क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से दो बॉल पहले ही लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। सही मायने में क्रिक रॉकेट है बेटर, फास्टर, और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह से फ्री है। तो बिना किसी देरी के आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसके साथ साथ इसके डाउनलोड लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड के फोन की ऐप से दो बॉल पहले लाइव मैच का स्कोर पाइए। वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट और मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो क्रिकेट के इस खेल को लगातार इंटरेस्टिंग बनाने का जो प्रयास है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC की तरफ से जारी रहता है। जहां अगर हम बात कर ले ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान, तो वहां पर भी हमें कुछ यही देखने को मिला। एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया और इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने जिन्हें टाइम आउट के जरिए आउट करार दिया गया है। जहाँ दरअसल इस रूल के बारे में खुद शायद ही एंजेलो मैथ्यूज को पता हो, लेकिन अंपायर ने उन्हें यही कहा कि आपके 2 मिनट निकल चुके हैं, यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर आकर आपको अपनी पारी की शुरुआत करनी थी, पहली गेंद का सामना करना था, और अगर अब आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप यहां पर पवेलियन जा सकते हैं, यानी कि अब आपको यहां पर टाइम आउट दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अब ICC ने एक और नियम निकाला है। जी हाँ, दरअसल ICC चाहता है कि क्रिकेट का ये जो खेल है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बने, और इस नियम को नाम दिया गया है स्टॉप क्लॉक। दरअसल स्टॉप क्लॉक का ये नियम है क्या, पहले आपको ये बता देते हैं। तो ये जो नियम है ये आया है गेंदबाजी टीम के लिए। दरअसल जो टीम गेंदबाजी कर रही होगी उसे अपना एक ओवर खत्म करने के बाद जब अगला गेंदबाज अपना ओवर डालने आएगा तो इसके बीच में 60 सेकंड का समय दिया जाएगा, और इन 60 सेकंड का पूरा ध्यान रखेंगे अंपायर। जी हां, अंपायर के हाथ में एक स्टॉप क्लॉक होगी और उसी स्टॉप क्लॉक के जरिए इन 60 सेकंड्स को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए गेंदबाज को अगला ओवर इन्हीं 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू करना होगा। अगर ऐसा दो बार हुआ यानी कि गेंदबाज यहां पर जो अगला यानी कि जो नया ओवर है उसे 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में शुरू करने में असमर्थ रहता है या फिर नहीं शुरू कर पाता है, तो दो बार तो इसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा तीसरी बार होता है यानी कि अगर गेंदबाजी करने वाली टीम 3 बार ये गलती करती है, अगर वो 1 मिनट के अंदर अंदर अपना अगला ओवर नहीं शुरू कर पाते हैं, तो फिर यहां पर पेनल्टी के तौर पर 5 रन बल्लेबाजी करने वाली टीम को दे दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अतिरिक्त दबाव डालेगा गेंदबाजी टीम पर कि उन्हें अपने उसी समय में यानी कि उसी 1 मिनट में अगला ओवर फेंकना है, नहीं तो यहां पर अगर 3 बार ये गलती होती है तो फिर यहां पर जो 5 रन है वो पेनल्टी के तौर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को दे दिए जाएंगे। तो इसीलिए ICC यहां पर चाहता है कि जो क्रिकेट का गेम है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और जो स्पेक्टेटर्स हैं उसे और भी ज्यादा इंजॉय कर पाए, तो इसीलिए इस रूल को यहां पर निकाला गया है। वहीं पर ये रूल कब से लागू होगा ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, इस रूल को दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक लागू किया जाएगा, यानी कि ICC अभी इसे ट्रायल के तौर पर लागू करना चाहता है, और अगर ये नियम सक्सेसफुल रहा तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। वहीं पर इस नियम को सिर्फ 2 फॉर्मेट में लागू किया जाएगा, यानी कि T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल, यानी कि इन दोनों ही फॉर्मेट के लिए इस रूल को निकाला गया है। टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से हो सके इसलिए इस रूल को यहां पर लाया गया है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, क्या इस स्टॉप क्लॉक के नियम से क्रिकेट का जो खेल है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन पाएगा या नहीं, यही बताइएगा मुझे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत। लेकिन जाने से पहले, अगर नहीं किया है अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब, तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।